नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी आपका टारगेट ऑन परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, फॉलोअर्स और मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आज एक स्पेशल प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए विशेष आधार को बच्चों की एक मांग के रूप में इस वीडियो को ड्राफ्ट किया है, जिसमें नेट, जेआरएफ और पीएचडी के प्रिपरेशन के संदर्भ में सारी बातों को गहनता से की जाने की व्यवस्था की, जिसमें हर टर्म को, हर बातों को ध्यान में रखते हुए सारी जो यूजीसी के नोटिफिकेशन या यूजीसी के साइट पे इम्पॉर्टेंट बिंदु दिए हैं, सारी बातों को लेकर बेसिक बातों को चुन चुन के आज इस वीडियो के माध्यम से देने की योजना बनाई और मैंने इस वीडियो को शूट किया। इस वीडियो में मैं आपको नेट के संबंध की एलिजिबिलिटी, नेट करने वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मार्किंग स्कीम, एज लिमिट, कैटेगरी का विश्लेषण, हाल ही में अभी कैटेगरी विश्लेषण यानी कैटेगरी 1, 2, 3 का निर्धारण किया गया, इन डेप्थ विश्लेषण, एक एक संदर्भ में एक एक वर्ड के साथ उसकी व्याख्या, एग्जामिनेशन फीस, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्रों को यह जानना जरूरी है कि अगर हम नेट की परीक्षा देना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन फीस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, रिजर्वेशन का प्रोसीजर क्या है और एग्जाम कब होता है, और भी इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि कौन सी बॉडीज इसको कराती है। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं बातों में ध्यान रखते हुए, पहली बात से, नेट की शुरुआत से। नेट की शुरुआत 1989 से हुई। 1989 में यूजीसी के द्वारा एक कमीशन का निर्धारण किया गया, निर्माण किया गया, मल्होत्रा कमीशन। इस कमीशन का कार्य सौंपा गया यह निर्धारित करना कि भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाई जाए, उच्च शिक्षा व्यवस्था में उस समय शिक्षक के दृष्टिकोण से एमफिल और पीएचडी डिग्री धारक अप्लाई कर सकते थे, इसमें संशोधन करने की मांग रखी। मल्होत्रा कमीशन ने अपना सुझाव दिया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाने के, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परीक्षा हो गई, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के बाद देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आपको कोई और परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित करे जा सकते हैं। इस संदर्भ में नेट की शुरुआत होती है। प्रारंभ में नेट को अनिवार्य बनाने की बात रखी गई, एमफिल और पीएचडी की कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए नेट को अनिवार्य करने की रिकमेंडेशन किया गया, परंतु कुछ विरोध जैसे कि नेट की संख्या ज्यादा ना होना, तत्कालीन शिक्षण व्यवस्था में उहापो या अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एमफिल, पीएचडी और नेट तीनों योग्यताओं को एक क्रम में ला दिया गया, जो उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित कर दिया। आगे चल के 2009 तक समान व्यवस्था रही, पर 2009 में सितंबर में बदलाव हुआ और एमफिल को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया, यानी 2009 के बाद से एमफिल डिग्री धारक एलिजिबल नहीं रह गए, अब केवल पीएचडी और नेट एलिजिबिलिटी बन गई। इसमें आप कोई भी एलिजिबिलिटी यानी या तो नेट या तो पीएचडी, या अनिवार्य नहीं है कि आपको पीएचडी होना चाहिए और ना ही अनिवार्य है कि नेट होना चाहिए, और यह व्यवस्था आज तक चली आ रही। काफी भ्रम है लोगों के मन में, कुछ लोगों को भ्रमित रूप से मैंने कहते हुए सुना कि नेट अनिवार्य है, पर ऐसा नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं, पीएचडी भी वैलिड है, अगर आप नेट नहीं है तो पीएचडी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पर नेट एक अच्छी योग्यता मानी जाती है, नेट को पहले वरीयता दी जाती है, इसलिए नेट क्वालिफाइड होना अपने आप में एक प्रेस्टीज है, एक गौरव का। आज की डेट में हर छात्र जो भी पीजी का है उसके मन में एक विचारधारा, हमेशा एक इच्छा रहती है कि वो नेट जरूर हो, और होनी भी चाहिए, क्योंकि नेट एक योग्यता है। नौकरी के लिए तो ये बाद में अनिवार्य है, लेकिन आपकी क्षमता प्रतिभा को व्यक्त करती है। जैसे कभी एमए एक बड़ी योग्यता मानी जाती थी, वैसे आज एमए के स्थान पे नेट को एक प्रतिभा का आधार माना जा सकता है,
यह माना जाता है कि आप नेट हो, इसका मतलब आपने अपने विषय में परिपक्वता प्राप्त की है और विषय की अच्छी पकड़ है। तो जिन्होंने नेट किया उनके लिए भी और जिन्होंने नेट नहीं किया उन्हें भी इस पर प्रयास करना चाहिए कि नेट की योग्यता को धारित करें और नेट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर तक बने। खैर, उस समय आगे की बात करो तो 2009 में नेट और पीएचडी दोनों योग्यताएं धारित हो गई। आगे चलकर कई बार इस पर विचार उठा कि नेट को अनिवार्य कर दिया जाए, परंतु अभी ऐसा नहीं हो पाया। परीक्षा की प्रणाली कराता कौन था? तो परीक्षा को कंडक्ट कराने के ऑफिसरिंग यानी कंडक्टिंग बॉडी थी यूजीसी। यहां पर जो परीक्षा करा रही थी उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगी। टेक्निकल प्रॉब्लम ये आने लगी कि विश्वविद्यालय स्तर पर ये परीक्षा होती थी और विश्वविद्यालय में आप फॉर्म भरिए और वहीं पर आपको सेंटर मिल जाता था। तो कुछ जगह और टेक्नोलॉजी शुरू हुई, परिणाम स्वरूप लोगों ने सेंटर ही एक प्रकार से डिसाइड हो गया कि यहीं परीक्षा होना है। तो यूजीसी ने फिर इसे थोड़ा सा सीरियसली लिया और आगे चल के परीक्षा कंडक्टिंग ऑफिस यानी बॉडी के रूप में इसे सीबीएसई को हैंडओवर कर दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये हुआ था दिसंबर सन 2014 से परीक्षा कराने का जिम्मेदारी सीबीएसई को दी गई। दिसंबर 2014 में जब सीबीएसई को ये परीक्षा कराने के अधिकारी बनाया गया, उस समय सीबीएसई इस परीक्षा के आने के बाद से विश्व की सबसे ज्यादा परीक्षा कराने वाली बॉडी हो गई, यानी एक लार्जेस्ट बॉडी वर्ल्ड की जो सर्वाधिक परीक्षाएं यानी सर्वाधिक लोगों की परीक्षाएं कराती थी। तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा परीक्षाएं होना या कंडक्ट करा पाना थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरू हुई और लगभग ये सीबीएसई के ऊपर बड़ा भार हो गया। सीबीएसई ने बड़े अच्छे से परीक्षाएं कराई, लेकिन कुछ समस्याओं को देखते हुए, कार्य भार को देखते हुए आगे चल के दिसंबर 2018 में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नवनिर्मित एनटीए के माध्यम से कंडक्ट कराने का फैसला लिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और फिर उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को तब से अब तक बेहतर रूप से कराते हुए आ रही है। एनटीए की परीक्षा अविश्वसनीय रूप से, बहुत बेहतर रूप से, बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट हो रही है और अभी तक कोई शिकायत भी इसमें नहीं सुनने को आया कि एनटीए के द्वारा कोई दिक्कत मानी गई हो, कोई समस्या। अब चर्चा करते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए। तो स्पष्ट है इस परीक्षा को देने के लिए आपका पीजी का 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स आपको क्लियर करना चाहिए। जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ से 55% रखा गया, अदर कैटेगरीज एससी एसटी पीएच वीएच और तमाम अन कैटेगरीज के लिए 50% निर्धारित किया गया है। इसके बाद इस परीक्षा में क्या फीस दी जाती है, कितना फीस खर्च होता है, तो ये सबसे ज़्यादा सस्ती परीक्षा है अगर किसी डिग्री या किसी यूँ कहा जाए कि एक हायर लेवल की एलिजिबिलिटी आपको मिलती है। तो एलिजिबिलिटी के क्रम में जहाँ बीटीसी करके प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं वहाँ एक लंबा खर्च होता है, वहीं बीएड करके आप सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हो वो भी एक खर्चीला प्रोग्राम है। लेकिन अगर हम नेट की परीक्षा को देखें तो नेट की परीक्षा जो है एक बहुत ही बेहतर परीक्षा है। इसमें क्या है कि आप मात्र 1150 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 600 अदर ओबीसी के लिए है और एससी एसटी के लिए 325 रुपये, यानी 1150 रुपये ही मात्र आपके खर्च हो रहे हैं और 1150 रुपये खर्च करके आप सीधा पहुंच जाते हो हायर लेवल के एलिजिबिलिटी को अटेंड कर लेते हो, यानी उच्च शिक्षा स्तर पर सीधा आप हायर लेवल के एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेंगे और विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो यह पॉइंट देखा जाए एक बड़ा मजबूत तर्क है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सीधा उच्च शिक्षा के केंद्र में जाना है तो आपके लिए एक बहुत सस्ती परीक्षा प्रणाली बनाई गई है। अब चर्चा करते हैं इसमें एज लिमिट पर कि एज लिमिट क्या रखा गया है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर करते हैं। जेआरएफ के लिए कहा गया है 30 इयर्स ऑफ एज लिमिट, 30 साल। अब यहां पे 30 साल जनरल कैटेगरी में, अदर कैटेगरीज की अगर हम बात करें, अदर कैटेगरीज के इन द सेंस कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जनरेशन थर्ड जेंडर कैटेगरीज इन सब के लिए 5 साल का छूट है, 5 इयर्स का छूट है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वुमेन एप्लीकेंट्स।
वुमेन एप्लीकेंट्स चाहे जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए भी छूट है, यानी कि जहां तक मेरी जानकारी है सामान्य अन्य परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता, जनरल मतलब जनरल होता है, लेकिन यहाँ जनरल में भी वुमेन जनरल पीपल्स को, यानी जो जनरल कमेटी की वुमेन से, या यू कहा जाए समस्त महिलाओं को, तो समस्त महिलाओं में जनरल वुमेन तो आई जाती है, सभी महिलाओं को छूट दे दी गई है, सबको 30 वर्ष की जगह 5 यानी 35 वर्ष तक जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ एक नेट क्वालिफाइड होने के बाद हाई मेरिट है। अगर आप हाई मेरिट में नेट आते हैं तो आप पीएचडी अगर करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि जेआरएफ हाई मेरिट में प्राप्ति होने के बाद स्कॉलरशिप की एक अच्छे रास्ता है जिसमें आपको लगभग 40 प्लस के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात कर रहे थे, तो अगर आप नेट क्वालिफाइड होते हैं तो नेट क्वालिफाइड होने के बाद आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, नेट क्वालिफाइड होने के लिए आप किसी भी उम्र में अप्लाई कर सकते हैं, यानी अब यू बात कर रहे थे तो 65 साल तक हमारी रिटायरमेंट, हम उस समय भी अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट ऑफ डे ऑफ लाइफ हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के लिए एलिजिबल होते हैं, कोई एज लिमिट नहीं होती। इस संदर्भ में देखा जाए तो अन्य परीक्षाओं की तुलना में कुछ एज लिमिट है पर यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। और पीएचडी एडमिशन की पॉइंट से बात करें तो पीएचडी एडमिशन में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं निर्धारित किया गया है, सभी जगह इस मामले में देखा जाए तो बेस्ट प्रिपरेशन के रूप में माना जा सकता है नेट को। इसके बाद कुछ अन्य बातें जो इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जब प्रारंभ हुआ ये परीक्षा तो उस समय ओएमआर शीट पे थी और यूजीसी सीबीएसई दोनों ने ओएमआर शीट पे कराया, आगे चल के फिर ऑनलाइन परीक्षा होने लगी। ऑनलाइन परीक्षाओं के रूप में देखा जाए तो काफी दिन तक ऑनलाइन परीक्षा हुई, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या आती रही जिसके रूप में इस बार से यानी कि आगामी जून 2024 की परीक्षा से बदलाव लाया गया है और ये पुनः ओएमआर शीट परीक्षा पर एग्जामिनेशन होगा। इससे कुछ सहजता आएगी, सरलता आएगी, क्योंकि बहुत से लोग तकनीक का अच्छा ज्ञान नहीं रखते हैं, उस संदर्भ में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी विहीन या टेक्नोलॉजी से अछूते लोगों के लिए डिजिटल जो पीपल्स थोड़े कम हैं उनके दृष्टिकोण से ये एक सहज और सरल परीक्षा बन गई। इस परीक्षा में जो पैटर्न है उस पर चर्चा करा जाए तो टोटल मिलाकर इस परीक्षा में दो पेपर होने हैं, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, पहला पेपर 100 मार्क्स का, दूसरा पेपर 200 मार्क्स का, नंबर 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 150 क्वेश्चन इस पेपर के अंतर्गत हो जाता है, 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन और गुणे 2 मार्क्स के हिसाब से 300 मार्क्स का ये पेपर बनता है। यहां पर इस पेपर में 3 घंटे का वक्त दिया जाता है, 1 घंटा आपका फर्स्ट पेपर के लिए है और 2 घंटा आपका सेकेंड पेपर के लिए। पेपर एक साथ होगा, सेशन एक साथ होगा। इस पेपर में दोनों एक साथ होने से फायदा यह होता है कि आप पहला पेपर या दूसरा पेपर कैसे भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है, तो ये फायदा है पेपर सेशन के हिसाब से। रिजर्वेशन की बात की जाए रिजर्वेशन जो सामान्य स्तर पे है 15% है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 10% जनरल इकोनॉमी वीकर सेक्शन से और 5% सीट जो मेंशन किए गए हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो ये आपका, अब चर्चा हम करेंगे जो अभी हाल ही में कैटेगरी एनालिसिस किया गया है। तो कैटेगरी एनालिसिस जनरली पहले नेट और जेआरएफ ये दो ही कैटेगरी हुआ करती थी, वर्तमान में इस बार से इसमें 3 कैटेगरी निर्धारित किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में अगर आप चार्ट देखें, कैटेगरी 1 में अगर आप पाते हैं तो जेआरएफ क्लियर माना जाएगा, यानी यू आर जेआरएफ ये क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप नेट भी क्लियर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी मिल गई है, आपको कोई और परीक्षा नहीं देना पड़ेगा और साल दो साल में आपका ये एलिजिबिलिटी खत्म नहीं होगा, पूरे लाइफ एलिजिबिलिटी बन जाएगी। इसके साथ ही साथ एक नई चीज जोड़ दी गई वो है पीएचडी एडमिशन, यानी आप पीएचडी एडमिशन के लिए आपको कोई और रिटेन परीक्षा नहीं देना होगा, क्रेट से आपको बहाली मिल गई, आप नेट की परीक्षा में ही पीएचडी एडमिशन में प्रवेश कर जाते हैं। कैटेगरी 2 में है तो आपको जेआरएफ तो नहीं मिला लेकिन आप नेट क्लियर कर गए जो लाइफ टाइम आपके साथ है और इसके साथ साथ पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप क्लियरिटी पा जाते हैं।
कैटेगरी थ्री में आते हैं तो आपका ज़ेरफ नहीं है, नेट नहीं है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम नेट की परीक्षा बोलते थे, लेकिन अब यूं कहा जाए तो नेट नहीं भी है तो भी आपका कुछ मार्क्स तक आपकी जो स्कोर कार्ड है वो आपको पीएचडी एडमिशन के लिए आपका रास्ता खोलता है। यानी आप नेट की परीक्षा में बैठे, हर व्यक्ति बैठे, क्योंकि एटलीस्ट एक लेवल तक मार्क्स आ गए तो क्रेडिट देने की जरूरत नहीं रहेगी, पीएचडी एडमिशन के लिए आपके रास्ता खुल गया है। और पहले की जो कठिनाई थी वो कम हो गई, क्योंकि आपको कई जगह जाकर रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ता था, जेआरएफ वाले उन्हें भी रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ता था, कई विश्वविद्यालय ऐसी व्यवस्था करते थे कि अगर आप जेआरएफ है तो भी आपको रिटर्न की परीक्षा देना है। उन सारे संदर्भ में देखा जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ूंगा ताकि एक एक बातें यहाँ पर क्लियर हो जाए। द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडमिटेड इन टू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी जेआरएफ स्टूडेंट को, जेआरएफ क्लियर करने वाले को अब कोई रिटन एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं, वो सीधा इंटरव्यू के बेस पर पीएचडी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट एक देखने को मिला। दूसरा, यूजीसी नेट अंडर कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री, यानी इन दो कैटेगरी की बात हो रही है, कैन बी यूज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यानी अगर उन्होंने ये पीएचडी एडमिशन में, यानी कैटेगरी टू और थ्री में पीएचडी एडमिशन तो आपको मिल गया है, इन्हें भी किसी रिटन एग्जामिनेशन को देने की जरूरत नहीं है, ये रिटन एग्जामिनेशन के रूप में मानी जाएगी किसी भी विश्वविद्यालय या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पीएचडी एडमिशन के लिए। यानी स्पष्ट कहा जा रहा है कि अब विश्वविद्यालयों को कोई रिटन एग्जामिनेशन या क्रेडिट तैयारी लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वो सीधा इसको आधार बना सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। आगे बात कहेगी, फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट विल हैव 70% वेटेज एंड 30% वेटेज विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू वाइवा वॉज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज और HEI। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट क्या कह रहे हैं कि आपने जो स्कोर पाया है इस स्कोर का 70% मार्क्स माना जाएगा आपके पीएचडी एडमिशन के लिए और 30% इंटरव्यू के दिया जाएगा। कहने का एकदम साफ मतलब है कि पहले जैसे कुछ विश्वविद्यालय ऐसा कर रहे थे कि आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते थे और उसका कोई मार्क्स आगे नहीं जोड़ा जाता था, क्रेडिट आपने क्वालिफाई किया लेकिन इंटरव्यू 100 मार्क्स का हो जाता था। ऐसे में इंटरव्यू में कई जगह कुछ ऐसे भी सुनने को मिला कि लोगों को एक प्रकार से शोर सिफारिश और तमाम बातें हो रही थी, पर अब ऐसा सिचुएशन कम तर हो जाएगा क्योंकि आपके स्कोर का 70% मार्क्स जोड़ा जाएगा और 30% इंटरव्यू से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब कि आपने जो मेहनत किया है वो मेहनत आपको रंग लाएगी, वो मेहनत आपको एडमिशन में आपका सहयोग करेगी। यानी आपका स्कोर कार्ड अच्छा होना चाहिए, यानी स्पष्ट है कि अपना प्रयास ये करिए कि जितना बेहतर स्कोर कार्ड होगा उतनी बेहतर जगह आपको पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। आगे की बात देखें, फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन इन नेट बाय द कैंडिडेट्स कैटेगरी टू एंड थ्री विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट। यानी आप नेट क्वालिफाइड हो गए वो मान लिया जाएगा कैटेगरी टू के पॉइंट से देखा जाए, लेकिन पीएचडी एडमिशन का ये स्कोर 1 साल तक वैलिड रहेगा। और यही बात 3 के लिए भी है, आप नेट नहीं क्वालिफाइड है लेकिन पीएचडी एडमिशन के लिए स्कोर कार्ड आपकी वैलिडिटी मात्र 1 साल है। कहने का मतलब यदि आपने इस साल में एडमिशन नहीं ले लिया पीएचडी में तो आपको हर हाल में फिर से इस परीक्षा को देना होगा। स्पष्ट है कि इस परीक्षा को ही आधार बना जाएगा। अब पीएचडी एडमिशन करने के लिए आपको इस परीक्षा को बार बार देना पड़ेगा, भले ही आप कैटेगरी टू के रूप में नेट हो गए हो लेकिन नेट होना आधार नहीं होगा पीएचडी एडमिशन के लिए। और यही बात देखा जाए तो जेआरएफ के पॉइंट से पहली कैटेगरी में, पर पहले कैटेगरी के संबंध में बहुत विस्तृत बातें नहीं कही गई है, लेकिन स्पष्ट लगता है कि जैसे जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल है तो आप 2 साल के बाद फिर से आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी इस संदर्भ में थोड़ा सा रुकना होगा, स्पष्ट बातें अभी आने को है जो कि संभावित है, आगे चल के पता चलेगा।
द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल. अगली बात कही गई, परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा नेट का विद मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स. दोनों में आएगा, परसेंटाइज भी आएगा और मार्क्स भी आएगा. मार्क्स क्यों आएगा? ऑब्वियसली मार्क्स का 70% मार्क्स आपको क्रेडिट के रूप में जोड़ा जाएगा, तो ऑब्वियसली मार्क्स होना जरूरी है. तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर भ्रमित थे. परसेंटाइल तो उस स्थान विशेष यानी उस सेशन में आपकी स्थिति क्या यही बताता था, लेकिन मार्क्स से आप वास्तविक रूप से क्या हो यह भी बताएगा. तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो मार्क्स आना बेहतर समझ, बेहतर पकड़ को विकसित करती है. यहाँ पर जो मूल बातें थी वो है. अब अगले पॉइंट पर चलते हैं. एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन की बात है, तो एक अभी जो इसमें तीसरा भारी बदलाव हुआ नेट के संदर्भ में वो ये कि 4 ईयर्स जो सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम करने वाले बच्चे थे, उनको भी रास्ता खुल जाता है पीएचडी में एडमिशन के लिए डायरेक्टली. यानी कि अब वो अगर इस स्कोर कार्ड को पास करते हैं, इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं. हाउएवर उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय की क्वालिफाइंग स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के अनुरूप पीजी या अन्य चीजों को करना होगा, लेकिन वो भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं. तो अभी जो 4 ईयर्स के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में है उनके लिए एक अच्छा रास्ता खुल गया. अभी तक तो सिर्फ पीजी वाले ही थे, अब बैचलर्स डिग्री वाले भी इस परीक्षा को दे सकते हैं. बट 4 ईयर्स या 8 सेमेस्टर वाले बैचलर डिग्री प्रोग्राम वाले ही इस परीक्षा को बैठ सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर ये 2-3 बातें थी. एक बात और जो की चर्चा करना चाहूंगा वो ये कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन whose result is still awaited or the candidates who have whose qualifying examination has been delayed may also apply for the test. अभी ये बड़ा भ्रांति है. बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पीजी में एडमिशन लिया, एक सेमेस्टर हुआ और नेट का फॉर्म डाल दिया. सुनते हुए पाए जाते हैं कि भाई नेट के लिए एलिजिबल हैं और अपीयर्ड सेक्शन से फॉर्म भर दिया गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एलिजिबिलिटी यहाँ नहीं बनती. अपीयर सेक्शन से एलिजिबिलिटी तभी बनती है जब आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हो. यानी कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है एमए के पीजी के, वो एलिजिबल नहीं है. फर्स्ट ईयर पास करने के बाद जो नेट का फॉर्म आए उसमें वो एलिजिबिलिटी बन जाती है और उस एलिजिबिलिटी के रूप में वो नेट का फॉर्म भर सकता है और एलिजिबल होगा. अब एक और बात आती है, सपोज करिए कि नेट तो क्लियर हो गया और वो फाइनल ईयर में पीजी फेल हो गया, तो आयोग ने क्या संदर्भ बनाया है यहां देखिए. हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स. 50% मार्क्स इन ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड जेंडर एंड अदर कैटेगरीज. Such candidates must complete their master's degree or equivalent examination within 2 years from the date of net result required percentage of marks, failing which they shall be treated as disqualified. यानी साफ साफ कहा गया है कि अब जब नेट क्लियर कर लेते हो वहां से 2 साल के अंदर आपको पीजी पास हो जाना चाहिए. इसका मतलब आप फाइनल ईयर में है और आपने नेट क्लियर कर लिया और पता चला फाइनल ईयर में आपका पीजी नहीं हो पाया, फेल हो गया, तो आप 1 साल 2 साल 2 साल यहाँ टोटल 2 ईयर्स दिया गया है, जिस डेट से नेट का रिजल्ट निकला वहां से 2 साल के अंदर अपनी पीजी को पास कर लें. अगर आप पीजी पास हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो आपका नेट डिसक्वालिफाइड हो जाएगा. नेट क्लियर होना या जेआरएफ क्लियर होना डिसक्वालिफाइड हो जाएगा. एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई. क्यों किया गया ऐसा? इसका कारण यह है कि जब आप पीजी कर रहे हो उसी समय आपको नेट हो जाने के लिए मांग होती है, क्योंकि आप इधर पीजी कंप्लीट करो और इधर पीएचडी का फॉर्म आए और आपने फॉर्म फिलअप किया. अगर आप जेआरएफ हो तो आप सीधा जुलाई में अगले सत्र से इधर पीजी कंप्लीट होते ही पीएचडी में एडमिशन हो जाए, साल खराब ना हो. जनरली बहुत से लोग इस बात पर विचार करते हैं कि वो 1 साल पहले नेट की तैयारी कर लेंगे पीजी होने के बाद और फिर नेट की तैयारी, नेट के एग्जामिनेशन में बैठेंगे. ये एक गलत मनोदशा लोगों ने पाल रखी है.
क्यों? क्योंकि आपका साल खराब हो जाता है और कोई भी नहीं चाहता है कि उसका साल खराब हो। जनरली कोई भी व्यक्ति होता है वो इस चीज को नहीं सोचेगा कि उसका साल खराब हो और वो 5-6 में जा रहा है, 7-8 में जा रहा है, तो एक साल वहां खराब हो। वहां कितना इंपॉर्टेंस होता है एक साल के लिए। ऑब्वियसली फिर एमए पास करने के बाद पीएचडी में एडमिशन होने के लिए भी हमारा वही एक साल इंपॉर्टेंट है। उस एक साल को हम महत्व नहीं देते हैं और एक नहीं कई साल बीत जाता है। इसलिए आपको रेगुलर स्टडी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और जब आप पीजी में एडमिशन प्राप्त करें उसी डेट से आप एडमिशन के साथ साथ नेट की तैयारी करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि एक साल के अंदर ही नेट क्लियर कर लें, डेढ़ साल के अंदर नेट ही क्लियर कर लें। जैसे ही आप दिसंबर में आए आपका तक तक में फाइनल ईयर में आपका नेट या जेआरएफ हो चुका होना चाहिए ताकि पीएचडी में एडमिशन आपको सहजता से अगले सत्र जुलाई तक मिल जाए और नए सत्र से आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए और फिर जल्द से जल्द रिसर्च को कंप्लीट करें। ये प्रोसीजर लेके चलना चाहिए। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट बातें एलिजिबिलिटी के संदर्भ में, मार्किंग स्कीम के संबंध में, एज लिमिट के संदर्भ में, कैटेगरी एनालिसिस के संबंध में, एग्जामिनेशन फीस के संबंध में, एग्जाम पैटर्न, रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन मोड, एग्जाम टाइमिंग, एग्जाम टाइमिंग पे थोड़ा सा बता दूँ, ये एग्जामिनेशन कब कब होता है। एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर के लास्ट संडे को, या अब तो लास्ट संडे नहीं होता लेकिन हाँ कोशिश रहती है आयोग की हाँ सेकेंड या थर्ड संडे तक इस परीक्षा को करा दिया जाए। अब जैसे इसी बार है कि संडे को कोई अन्य परीक्षा आ गई, सिविल की आ गई, तो थोड़ा सा उसे पढ़ा करके मंगल कर दिया गया, लेकिन हाँ एक प्रयास रहता है कि दूसरे और तीसरे सप्ते तक ये परीक्षा हो जाती है। तो जून और दिसंबर हर साल लगातार ये परीक्षा होती है। अब ये एक अच्छाई है यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में। जहां तक हम सतत रूप से होने वाली परीक्षाओं को देखें तो यूपीएससी की परीक्षा के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा ही सतत रूप से लगातार ये परीक्षा कंडक्ट करा रही है, तो एक बेहतर रास्ता इसमें देखने को है। बहुत सी अन्य बातें जो कि इस वीडियो में मैंने अब चर्चा किया और यही कहूँगा कि जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े से सीरियसली तैयारी करें, क्योंकि एक चीज मैंने महसूस किया है, क्योंकि आज लगत विगत लगभग 18 साल के ऊपर मुझे शिक्षण का अनुभव है और नेट जेआरएफ के लिए टीचिंग मैं करता आ रहा हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो मेरा प्रिय विषय है और साथ ही साथ समाजशास्त्र जो कि मेरा विषय, मैं उसको भी अध्ययन अध्यापन कराऊंगा। लेकिन जो बात कहना चाहता हूँ उस बात पे आऊँ, मैं ये देखता हूँ कि आप जब नेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ बहुत सी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करने लगते हैं, तो ये थोड़ी सी कमियां हैं। मेरे आपको एक सुझाव है कि जिस समय आप नेट की तैयारी कर रहे हो कोशिश करें कि आप लग करके 6 महीना 1 साल इस परीक्षा को अच्छे से दें, एक परीक्षा को अच्छे से करें, एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। अब बच्चे घबराहट में कि नेट की परीक्षा डाला है तो लाओ तब तक में कोई और फॉर्म आ गया तो उसको भी दे दें, बहुत से अन्य परीक्षा। मेरे इतना ही कहना है कि आप एक परीक्षा को जब देंगे ना तो आपका पूरा पोटेंशियल एक तरफ लगेगा और एक पोटेंशियल लगा के काम करेंगे तो जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा और पास हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब हम हाई स्कूल दिया करते थे, मैक्सिमम लोगों को क्या है कि हाई स्कूल जब दे रहे हैं तो उस समय उनको कोई विकल्प तो पता नहीं, वो जिस बोर्ड से दे रहे हैं उसी बोर्ड के लिए लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करते कि वो अगर यूपी बोर्ड से दे रहे हैं तो एमपी बोर्ड का भी फॉर्म भर दे रहे हैं उसी साल और सीबीएसई आईसीसी बोर्ड, बस वो उनको एक ही चीज़ है, कोई विकल्प नहीं है। तो एकदम साफ है कि विकल्प ना होना भी अच्छी बात है, बस आप संकल्प सिद्ध कर लीजिए, विकल्प हटा दीजिए तो आपका जो संकल्प है वो पूर्ण हो जाएगा। तो अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि आपको नेट क्वालिफाइड होना है और नेट क्वालिफाइड होते समय आप कुछ और चीज़ों की प्रिपरेशन ना करें, नेट के लिए रात दिन एक कर दें, नेट हो बल्कि हाई मेरिट में हो, जेआरएफ हो, ताकि पीएचडी में एडमिशन सहज और अच्छे विश्वविद्यालयों से आपको मिल जाए। आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए काम का होगा और मैंने जो बातें बताई वो आपके भविष्य में काफ़ी सहयोगी होगा और बेहतर रूप से और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से सेगमेंट्स को लेकर के मैं जल्दी आपको मिलूंगा। अब मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है वो नेट प्रथम प्रश्न पत्र पर संपूर्ण खंडों के विश्लेषण को लेकर है। तो नेट प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण खंडों का विश्लेषण कैसे, विषय खंडों का यानी यूनिट्स को डिटेल में समझे और किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन करें, तो नेट फर्स्ट पेपर को लेकर स्ट्रेटजी से संबंधित अगला वीडियो जल्दी मैं आपको मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।